नमस्कार, मैं हूं पिंकी। न्यूज फॉर सोशल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 साल पूरे होने पर भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का विकास होगा, परंतु 2.5 साल में 2.5 कोस भी यह सरकार नहीं चल पाई है। साथ ही कहा कि सरकार विकास व रोजगार के सही आंकड़े जनता के सामने पेश करे। अखिलेश यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पत्रकारों से बातचीत के ठीक 1.5 घंटे बाद का समय चुना, जिसके बाद उन्होंने बातचीत की शुरुआत मुख्यमंत्री पर हमले से की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उसी समय उन्नाव में गोलीबारी की सूचना आई और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। यूपी में सबसे अधिक घटनाएं बेटियों के साथ हो रही हैं। उन्नाव की बेटी को न्याय के लिए मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह के लिए आना पड़ा। वहीं सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा की सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि 2 लाख युवाओं को नौकरी दी है, तो कभी कुछ और बात कर रहे हैं। सरकार सही बताए कि कितने रोजगार दिए गए हैं। सपा शासनकाल की योजनाओं को अपना बताकर उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि सपा के शासनकाल की अभी 21 परियोजनाओं के उद्घाटन का श्रेय लेना बाकी है। सपा के मुखिया ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग को लेकर तमाम भर्तियां परीक्षाओं का बुरा हाल हुआ है। इतना ही नहीं, पिछले 2.5 सालों में शायद ही कोई भर्ती हो रही हो जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। रोजगार मांगने पर बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, जेल भेजा जाता है, उन पर झूठे मुकदमे भी चलाए जाते हैं। इस खबर में इतना ही। न्यूज़ फॉर सोशल की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।